जयपुर के ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में कांग्रेस का दो दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और कार्यशाला में शक्ति प्रोजेक्ट के मुख्य समन्वयक शशांक शुक्ला और साथ ही AICC के एक्सपर्ट ने जयपुर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रशिक्षण दिया। एक्सपर्ट 11 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण देते नजर आएंगे और आपको बता देते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और साथ ही बूथ स्तर तक लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी दिग्गज नेता भी यहां मौजूद रहे। प्रभारी अविनाश पांडे, PCC चीफ सचिन पायलट समेत तमाम बड़े नेता कांग्रेस के इस कार्यशाला के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद दिखे। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण कार्यक्रम, जी हां, कांग्रेस की पाठशाला शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस की आमुखीकरण कार्यशाला, लोकसभा चुनाव को लेकर यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसी के मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की पाठशाला शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी और साथ ही चुनाव को लेकर बूथ के अनुसार रणनीति बनेगी। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित सभी दिग्गज नेता कांग्रेस के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसी खबर पर अपडेट देने के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। दिनेश, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दिनेश, क्या ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है? ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में चल रही है। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रदेश जो प्रभारी मंत्री हैं, जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे वो इस कार्यशाला में मौजूद हैं। साथ ही जो AICC से एक्सपर्ट्स आए हैं, जो शक्ति प्रोजेक्ट के मुख्य समन्वयक है शशांक शुक्ला, वो इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को मैनेज कर रहे हैं। वो इस ट्रेनिंग दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि पार्टी की जो कार्यशैली है, रीति नीति है, मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की गई हैं, बूथ स्तर पर मजबूती की बात हो, ऐसे तमाम जो पहलू हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जो लोकसभा क्षेत्र की कार्यकर्ताओं की ओर से, कांग्रेस कमेटी की ओर से क्या तैयारियां की गई है चुनाव को लेकर, कैंपेन की, ये सारी तमाम ऐसी जानकारी ले रहे हैं और साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती कैसे हो इस पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिनेश, इस प्रशिक्षण शिविर कह लीजिए, कांग्रेस की पाठशाला कह लीजिए, इसके मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? कार्यकर्ताओं को किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इनमें अहम बिंदु क्या है? देखिए ज्योति, राहुल गांधी की जो सोच है IT की, कैसे आम जन से संवाद किया जाए, आम जनता की सीधी पहुंच, जो राष्ट्रीय नेतृत्व तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए जो बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती बात हो कि पहले लॉन्च किया था कांग्रेस की ओर से शक्ति प्रोजेक्ट, उसके माध्यम से तमाम जो ऐसे पहलू हैं, चाहे टिकट वितरण का हो, उम्मीदवारों के चयन का हो, उन पर सीधे पार्टी की कार्यकर्ताओं की राय ली जाती रही है। उसके माध्यम से, शक्ति प्रोजेक्ट के माध्यम से, यहाँ पर बूथ स्तर के जो पार्टी की गतिविधियां हैं, सीधे तौर पर जो चुनाव को देखते हुए पार्टी की गतिविधियां हैं, बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती की बात है, जो शिविर चलाए जा रहे हैं, पहले भी ऐसे शिविर आयोजित किए गए हैं, जो कार्यकर्ताओं को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि मतदाताओं को लुभाया जाए, पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाए, जो राहुल गांधी की सोच है उसको कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए। दिनेश चूंकि कल ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है और हाथ के सिंबल के अनुसार ही 5 थीम पर मैनिफेस्टो जारी किया गया, क्या मैनिफेस्टो को लेकर भी कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी जाएगी? बिल्कुल ज्योति, सबसे बड़ा मुख्य फोकस यही है, जो राहुल गांधी की न्याय योजना की बात हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी की बात हो, राहुल गांधी ने जो घोषणा की है मैनिफेस्टो में, उसको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए और आम जनता को इन पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, क्या मिनिमम इनकम गारंटी है, ग्रामीण इलाकों की बात हो या फिर तमाम जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो आम जनता तक जाएं और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है, राहुल गांधी की सोच है, मैनिफेस्टो में घोषणा की गई है, गरीबी हटाओ का नारा
इंदिरा गांधी ने बहुत पहले दिया था, लेकिन उस पर अब राहुल गांधी ने ये जो मिनिमम इनकम गारंटी का वादा किया है उसको देखते हुए जो प्रत्येक नागरिक है देश का मतदाता है उस पार्टी के कार्यकर्ता है वो इस बात को पहुंचा है। राहुल गांधी ने क्या वादे किए जी हैं जनता से, चाहे बीजेपी की जो सफलताएं रही हैं उन जी पे भी मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा कि पिछले 5 साल में क्या वादे किए गए थे बीजेपी की ओर से और उन पर कितना कार्य हुआ, उनकी फेलियरनेस को भी जनता के बीच लेकर जाया जाए। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता देते हैं, जयपुर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, विस्तार से कार्यकर्ताओं को हर एक पहलू के बारे में समझाया जा रहा है ताकि वो बूथ स्तर पर जनता के बीच जाकर उन्हें कांग्रेस की विचारधारा से अवगत करवाएं, उन्हें कांग्रेस की सरकार बनने पर क्या कुछ खास जनता को मिलेगा ये समझा पाए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।